अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एस्पायरिंग होम्स। मेरा नाम मोहम्मद हसन और आज मैं काफ़ी वीडियोस दिखा के, घर दिखा के आपको बड़ा थक चुका, तो मैंने सोचा आपको फार्म हाउस दिखाते हैं। एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा फार्म हाउस है, यहाँ पर लाहौर के थोड़ा सा आगे है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा है और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। कम विद मी। ये फार्म हाउस के हम अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वॉक वे है इसका। यहाँ से आप गाड़ी जो है वो आराम से अंदर लेके जा सकते हैं और एक तो गाड़ी भी हम लोग बड़ी ले आए हैं यहाँ पर और बड़ा ही डर डर के यहाँ पे चलानी पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल इस एरिया की ग्रीनरी, इस एरिया की फ्रेशनेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और मज़े की बात यह है कि इस फार्म हाउस में आप अपने फैमिली फंक्शंस भी कर सकते हैं, शादी वगैरह भी कर सकते हैं, गेस्ट हाउस के तौर पे भी आप बुक कर सकते हैं। अगर आप दो तीन फैमिलीज़ यहाँ पर आके थोड़ी देर शहर की हसल बसल से आप थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके आप ईज़िली अपना जो है वो अपना इंजॉयमेंट सीन बना सकते हैं। बारबेक्यू वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, खाना पीना हर चीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ के ओनर का मसला है, तो आपने बस इजीली जो है यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आना है और आपको इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही इंजॉयमेंट वाला माहौल मिलेगा। चलते हैं जी फार्म हाउस के अंदर। इंतहाई सिंपल सा आर्किटेक्चर है, यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ को ज़्यादा ओवर पावर नहीं किया है और वॉक वे बहुत खूबसूरत है। सेंटर में एक राउंड अबाउट बना हुआ है जहाँ से आपकी गाड़ी आपको ड्रॉप करके और इजीली आप यहाँ पर जो माहौल है उसको एंजॉय कर सकते हैं। सिटिंग, आउटडोर सिटिंग भी अवेलेबल है, इसमें पूल भी है, इसमें टीवी लाउंज है, इसमें बेडरूम्स भी हैं, तो आप यहाँ पर ईजिली अपना जो है ना वो छुट्टियाँ भी मना सकते हैं और आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलते हैं जी ये फार्म हाउस के अंदर और आपको चल के चेक कराते हैं कि अंदर कैसा है। कम विद मी। अंदर आते साथ ही आप देख सकते हैं कि खूबसूरत किस्म का यहाँ पर आपका जो है वो टीवी लाउंज आ जाता है, ज़बरदस्त किस्म का इसका फर्नीचर है। बट पहले हम जो फीचर मेन मेंशन करेंगे कि इसके अंदर भी हमने अपने घरों की तरह यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पूरा पाउडर रूम दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रे कलर की टाइल है, प्रॉपर सा पाउडर रूम है। इसमें भी जो टीवी लाउंज है इसका वो भी बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोकोनट स्टाइल के, बाउल स्टाइल के यहाँ पर दो चेयर्स आ जाती हैं और सेंटर में कॉफ़ी टेबल्स हैं। यामाहा का 3D सराउंड साउंड सिस्टम लगा हुआ है पूरे घर में, तो अगर आप यहाँ पर मूवीज़ भी देखते हैं तो वो भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और फुल साइज़ के 12 सीटेड, एटलीस्ट 12 पर्सन के लिए ये एक सोफ़ा है, दो लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं और इजीली कंफर्टेबली यहाँ पर आपके जो हैं वो गेस्ट इन्जॉय कर सकते हैं इसको। सामने कॉन्सोल आ जाता है और 4K LED TV लगा हुआ है। पीछे की अगर आप वॉल चेक करें तो इस पर टेक्स्चर्ड पेंट है और यहाँ से अगर आप ऊपर देखें तो सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल्ड हैं और यहाँ पर एक खूबसूरत किस्म की स्काईलाइट है। यहाँ से एक पैसेज जा रहा है और पैसेज बहुत ज़बरदस्त इन्होंने दिया हुआ है। नीचे टाइल्स हैं, राइट साइड पर आपका जो है वो पूल का एरिया आ जाता है और लेफ्ट साइड पर आपके जो हैं वो तीन बेडरूम्स हैं, वॉशरूम्स भी अटैच्ड हैं इसमें और साथ ही साथ आगे जाके एक टीवी लाउंज है प्रॉपर सा। अगर आप बेडरूम्स देखें तो बेडरूम्स प्रॉपर फर्निश्ड हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि फर्नीचर पूरा इंस्टॉल्ड है, हर तरह की इसमें जो है वो फीचर्स इंस्टॉल्ड हैं और इसमें जो बेडरूम्स हैं वो इंतहाई लग्जूरियस स्टाइल के हमने दिए हैं। और यहाँ पर भी आप पैसेज में भी चेक करें तो सिटिंग आ जाती है, सामने भी कुछ चेयर्स हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप चेक करें तो इस तरफ एक डाइनिंग एरिया भी आ जाता है, ऊपर शैंडलियर्स वगैरह भी हैं, साथ इसमें जो है प्रॉपर सा डाइनिंग एरिया दे दिया इन्होंने और डाइनिंग टेबल भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और जब आप ऑब्वियसली इसको अपने लिए यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर जो है ना वो आप अपना हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम अंदर से पैसेज से इस तरफ को आएँ तो अगेन टीवी लाउंज का जो व्यू है वो बैक साइड पे है, डाइनिंग का व्यू इस तरफ है, ये एक प्रॉपर सा पैसेज है और यहाँ पर आ जाता है खूबसूरत किस्म का वर्साची का पूल, प्रॉपर फ्लोटिंग एज टू एज पूल आप देख सकते हैं। इसमें स्वाना भी इंस्टॉल्ड है, ये जो है इसमें जेटर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, तो इसमें एक आपका जकूजी भी आ जाता है, पूल आ जाता है प्रॉपर, इसमें जो है वो लाइटिंग भी बड़ी खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ से चेक करें तो इसकी सिटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, ऊपर से ओपन टू स्काई है और आपकी जो है एक छोटा सा शावर एरिया यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इस तरफ को जाएँ तो ये सामने आपका जो है वो शावर एरिया आ जाता है। घर के अंदर से तो आपने देख लिया बट बाहर से भी यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पैसेज है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गाड़ी आपकी यहाँ से बड़े इजीली आ सकती है, बट अगर आप यहाँ से हम अगर अंदर जाएं ग्रीन एरिया में तो एक बारबेक्यू डेक भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत किस्म का बारबेक्यू डेक है प्लस फायर पिट एरिया बना हुआ है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और यहाँ पर एक खूबसूरत सी यहाँ पर जो है ना वो फायर आप देख सकते हैं कि गोल्डन स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर पूरा फायर प्लेस बनाई हुई है उन्होंने और इसमें पूरा ग्रिल लगी हुई है बारबेक्यू की और ऊपर इसकी चिमनी आ जाती है और प्रॉपर उसके ऊपर जो है ना सिटिंग का एरिया, यहाँ पर आप सर्विंग भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप चेक करें तो क्रिकेट के लिए प्रॉपर सी पिच बनी हुई है, यहाँ पर आपकी विकेट्स आ जाएंगी, बॉल की वहाँ से अगर बॉलिंग की जाए तो प्रॉपर एक इसकी हाफ साइज़
पिच की साइज़ है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर चलें तो इसके कुछ बर्ड्स वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, ये वापस अगेन हम लोग इस पर ट्रैक पर आ गए हैं और यहाँ पर दो ऑप्शंस बड़ी मज़े की हैं। एक तो यहाँ पर आबशार है, फाउंटेन एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटरफॉल का प्रॉपर एक एरिया बना हुआ है। अभी यहाँ से प्रॉपर इन्होंने जो है वो स्टोन्स में प्रॉपर आबशार बनाई हुई है। और ये है इसकी फायरप्लेस डेक, यहाँ पर अगर आप सर्दियों की शामें इंजॉय करना चाहें, अभी तो खैर काफ़ी गर्मी है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके सेंटर में इन्होंने फायरप्लेस एरिया दिया हुआ है और प्रॉपर अंदर ग्रिल लगी हुई है। साइडों पे इसकी ग्रास वगैरह चेक कर सकते हैं, खूबसूरत सा माहौल इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। बहुत सारी इसमें जो है वो फीचर्स इंक्लूडेड हैं। चलते हैं जी वापस इसके आगे बर्ड्स के एरिया की तरफ और वो भी चेक करते हैं, वो भी जाके आपको दिखाता हूँ कि बड़ा ही मज़े का इसका जो है ना वो एक एरिया बना हुआ है। और ऐसे एरियाज़ यहाँ पर लाहौर में तो स्पेशली कुछ लोगों के पास होते हैं एंड दे डोंट वॉन्ट टू शेयर नेम विद यू, बट इस फार्म हाउस की खास बात यह है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी अमाउंट है वो आपने पे करनी है और आप इसको बुक कर सकते हैं। तो ये आ जाता है अगेन एक फाउंटेन एरिया, आप देख सकते हैं कि सेंटर में फाउंटेन है, अगेन आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सकती हैं, तो गाड़ियों की पार्किंग के लिए बहुत अच्छा ये जो है ना एरिया बन सकता है। बाकी आप रनिंग, जॉगिंग, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर और प्रॉपर सा यहाँ पर एक मज़ेदार सीन बन जाता है। अगेन एक यहाँ पर आप देखेंगे तो बारबेक्यू डेक आ जाता है, उसके ऊपर ग्रिल है प्रॉपर, यहाँ पर आपका शेफ़ आ जाएगा। और शेफ़ को अगर आप देखें तो यहाँ से इसकी बैक साइड पर अगर मैं जाऊँ तो इसका ये सीन बनता है कि यहाँ से आपका प्रॉपर एक बारबेक्यू एरिया बन जाता है। इसमें तंदूर लगा हुआ है, यहाँ पर आप रोटियाँ वगैरह पका सकते हैं। और ये अगर हम उठाएँ तो यहाँ पर इसके नीचे प्रॉपर ग्रिल एंड बारबेक्यू के लिए प्रॉपर सामान पड़ा हुआ है। और एक खूबसूरत से यहाँ पर जो है वो इन्होंने आइलैंड टाइल्स की रिसाइकल टाइल्स को यूज़ किया हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर चलें तो अगेन एक वाटरफॉल आ जाती है, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की वाटरफॉल यहाँ पर दे दी इन्होंने। और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त खूबसूरत सा इसका व्यू बन जाएगा। और आगे चलें तो आगे आउटडोर अगेन सिटिंग आ जाती है और सिटिंग में भी आपको यहाँ पर पीछे आपके काफ़ी सारे प्लेन एरिया है, काफ़ी सारा खेत वगैरह है, तो ग्रीनरी का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। ऊपर शेड है इसमें, यहाँ पर बारिश हो रही हो तो बड़ा प्रॉपर सा सीन बन जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें टर्कीज़ हैं, इसमें काफ़ी खूबसूरत एंड एक्सपेंसिव किस्म के बर्ड्स हैं यहाँ पर। आई होप कि मुझे कोई मारे ना यहाँ पर, अटैक ना कर दे कोई परिंदा। ये छोटा सा फिश पॉन्ड बना हुआ है, अभी इसकी सफाई वगैरह चल रही है, ये भी क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुर्गे हैं, चकोर हैं, उसके अलावा टर्की हैं, उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत से यहाँ पर पिजन्स हैं और ज़बरदस्त किस्म के एक यहाँ पर जो है ना वो आपका बर्ड्स एरिया बन जाता है, जो कि बहुत ही एक इस एरिया की वाइब को मैच करता है, प्लस इसकी वाइब को एलिवेट भी करता है। तो ये था जी हमारा फार्म हाउस, ये आपके लिए अवेलेबल है फॉर रेंट, फॉर फंक्शंस, फॉर फैमिली फंक्शंस, फॉर पार्टीज़। आप इसको बड़े मज़े से इन्जॉय भी कर सकते हैं। आपको पता है कि इसकी ग्रीनरी आपने देखी, इसका हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली बनाई गई है और इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। पूल भी है इसमें, बारबेक्यू एरिया भी बन जाता है इसमें जो है, बड़ा मज़े का ट्रैक बना हुआ है तो आप इसकी ट्रैक वगैरह को भी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी लाइटिंग बहुत खूबसूरत है, तो हर तरह की जो इसमें अमेनिटीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। आपको सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करनी है और आपको जो है ये फार्म हाउस फॉर रेंट मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।